हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज थर्सडे है एंड आज मैं अभी के टाइम से थोड़ा जल्दी उठ गई। जनरली अभी मैं 8 बजे उठती हूँ, तो आज अभी मैं 7:30 को ही उठ गई थी एंड दिस इज़ माय मॉर्निंग का जो होता है थोड़ा फुला हुआ फेस। तो चलिए किचन में चलते हैं। या कहाँ गया ये लाइट यार, जल गया। वेलकम टू माई किचन। एंड कल हम लोग को यहाँ पे बहुत बारिश हुआ था रात में, तो चलो वेलकम टू माई किचन। मुझे लगा कि मैं आज सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, जल्दी उठ के फर्स्ट आई विल मेक ब्रेकफास्ट फॉर देम। जनरली अभी ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग इतना नहीं सोचते हैं। राय कभी सीरियल खा लेती है, कभी मेरे हबी जल्दी उठ जाते हैं, मुझसे थोड़ा जल्दी। मे बी आई विल वेक अप एट 8, वो ऐसा 7:50 को उठ जाते हैं एंड वो ब्रेड बटर बना लेते हैं। तो आज मैंने सोचा है दैट आई विल मेक नूडल्स फॉर देम, बिकॉज मेनी ऑफ यू नो, जो लोग मुझे बहुत सालों से देखते आ रहे हैं कि मेरे हबी को नूडल्स बहुत पसंद है एंड नूडल्स वॉज वन एक खाना था जो मैं वीक में एक बार तो बनाती थी फॉर हिज लंच बॉक्स। बहुत दिनों के बाद मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। रिमेम्बर मॉर्निंग आई टू वेक अप एंड फिर मैं पानी पीती थी एंड फिर मैं पहन लेती थी अपना सुरक्षा कवच यानी एप्रन। नूडल्स में ना अनियंस ऐड नहीं करती हूँ, जब पैन गरम हो तब मैं उसमें ऑयल ऐड करती हूँ एंड उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड फिर जो हम लोगों ने वेजेस चॉप किया था वो मैं ऐड कर देती हूँ। एंड हाँ, मेरे पास थोड़ा कट किया हुआ अनियंस था तो मैंने वो भी ऐड कर दिया है, लिटिल सॉल्ट। एंड नूडल्स का जो वेजेस है ना, आपको ज़्यादा बॉयल नहीं करना चाहिए, ए क्रंची फ्लेवर रहना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ लेफ्ट ओवर चिकन पीसेस थे तो वो भी मैंने ऐड कर दिया है। फिर सम ब्लैक पेपर पाउडर, फिर नूडल्स, बॉयल नूडल्स एंड उसके बाद आपको अच्छी तरीके से भून लेना है। डेफिनेटली मैंने सॉल्ट भी ऐड किया है एंड लिटिल बिट ऑफ ग्रीन चिलीज। तो नूडल्स में एक चीज़ है जो मैं हर वक्त ऐड करती हूँ, दैट इज चिली विनीगर। मैंने देखा है ना, अगर आप नूडल्स में चिली विनीगर ऐड करें तो उसका बहुत ही एक अच्छा फ्लेवर निकल के आता है। बस एट द एंड आई विल ऐड अराउंड 1 teaspoon ऑफ चिली विनीगर एंड नूडल्स इज रेडी। अभी राय उठ जाएगी। राय बहुत सिंसियर, उसको बुलाना नहीं पड़ता है, 8:30 से पहले ही वो पूरा रेडी होके वो ऊपर आ जाती है। फिर ब्रेकफास्ट खा के इमिडिएटली वो क्लासेस है बैठ जाते हैं, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस है ना, तो बहुत सारे बच्चे लोग कभी कभी लेट आते हैं। ऐसा भी डेली वो लोग का जैसे रेगुलर क्लासेस होते हैं ऐसा तो नहीं होता है, दो तीन मीटिंग्स ही रहते हैं, पर शी इज़ वेरी सिंसियर, नहीं 8:30 को मुझे ऊपर आना ही है। एंड बोलते बोलते राय ऊपर भी आ गई है। मामा, आई मेड समथिंग गुड फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। हैं? या ओ, राय बोल रही है शी कैन स्मेल नूडल्स। तो वहाँ पे राय आ गई है एंड तो मैं राय को अभी ब्रेकफास्ट दूंगी एंड आई विल गेट रेडी, क्योंकि मैं जाऊंगी थोड़ा वॉक करने। नूडल्स नहीं खाती हूँ क्योंकि मैं अजीब हूँ, तो अभी आई वेयर माई वॉकिंग ड्रेस एंड मैं अभी थोड़ा वॉक करने चली जाऊंगी। एंड या वही, एंड जब पहले जब सब कुछ ठीक था तभी भी ऊपर में मैंने पहले भी बोला कि एक ड्रेस ना मेरा हर वक्त रहता था, क्योंकि तब मैं घर में आती थी, फिर अगर एक भी मिर्चा नहीं हुआ मैं चली जाती थी बाहर, तो ऐसा ही आना जाना तो मेरा लगा ही रहता था। फॉर देट ना मैं एक ड्रेस रख देती थी। अभी क्या आया, अभी मैंने टुडे आई गॉट माई एक्सरसाइज ड्रेस, मेरा एक्सरसाइज का ड्रेस अभी यहाँ पे ही है। फिर
सोफा पे है इतने सारे टॉवल्स, क्योंकि मैं बोल रही थी ना मुझे सिर्फ टॉवल्स धोना बहुत पसंद है। तो 45 मिनट से मैं वॉक कर रही हूँ ये लाइक मेरे घर के सामने में, एंड हाँ मास्क भी है, अगर कोई आएगा तो मैं पहन लूँगी, नहीं तो मैंने थोड़ा मास्क पहन के वॉक किया था। पर कोई भी मास्क हो यार, इट इज़ वेरी हार्ड आफ्टर सम टाइम, द बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड स्पेशली फॉर दिस ग्लासेस लाइक टोटली फॉगी हो जाते हैं। तो मुझे लगा चलो लेट मी है, ऐसा भी कोई भी नहीं है, मैं ऐसे ही वॉक करती हूँ। तो रात को तूफान टाइप आया था, तो देख सकते हैं कि ये पियोनी का पेड़ पूरा नीचे झुक चुका है, एंड रोज का पेड़ को भी खराब कर दिया है। तो जस्ट सी कितने सारे पियोनीज। But I won't let them bruise. Even though it hurts, I won't show it to you. Cause it will ricochet. अभी पियोनीज यहाँ पे कितने सुंदर लग रहे हैं, एंड एक्चुअली यू नो बहुत सारे और पियोनीज है, पर मैं जैसे बोल रही थी ना कि ये सब फ्लावर में एक बहुत मीठा खुशबू होता है, तो इसके वजह से दे अट्रैक्ट ए लॉट ऑफ मधुमक्खी यानी हनी भी। तो मैं जब गई थी ना बाहर, तब एक हनी भी आ गया था, एंड मुझे ना मधुमक्खी से बहुत डर लगता है यार जब काटता है तब। हाउ मेनी ऑफ यू हैव द एक्सपीरियंस कि मधुमक्खी ने आपको काटा? मुझे बहुत बार काटा है, तो राय को एक बार भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो थैंक्स गॉड। तो फिर मैं डर के मारे आगे, क्योंकि अभी लेट हो गया है, नाउ इट इज़ 12:44, क्योंकि मैंने आज शैम्पू किया, फिर उसके बाद मुझे पूजा देना था। एंड हाँ, अभी आप लोग वाजन बोलते हैं पायल जो आता है, तुम घर में नहीं दिखाती हो, क्या करो यार, डेली कुछ ना कुछ आता ही रहता है, क्योंकि हम लोग बाहर नहीं जाते, तो जो भी ज़रूरत का सामान है वो सब हम लोग लाते हैं। पर दिस इज़ रिमेंबर कल राय ने जो ड्रेस पहना था, राय को ना स्लीवलेस पहनना कुछ पसंद नहीं है, सबको प्रेफरेंस रहता है राय, तो उसके ऊपर में पहनने के लिए ना ये वाइट कलर वन है, दिस इज लाइक ए जैकेट ही मैं बोलूँगी, लाइक बहुत छोटा है ऐसा, ये तो जैसे थोड़ा बड़ा है ना मेरा, वो ऐसा बहुत छोटा है, इस तरीके से आता है जस्ट टू कवर योर हैंड्स। तो ये व्हाइट कलर का है, वो ब्लैक कलर का थोड़ा बड़ा हुआ था, दैट वाज स्मॉल साइज, सो दिस इज एक्स्ट्रा स्मॉल साइज। तो अभी जो भी सामान आता है वॉश करना तो पड़ता ही है, तो मैं वॉशिंग में दे रही हूँ, एंड फिर दिस इज समथिंग जो मेरे हबी को पसंद आएगा बहुत, ऐसा तो राय के लिए वो है बुक पाइथन का, एंड ये दिस आर फॉर टीन्स, तो मेरे लिए तो काला अक्सर भैंस बराबर, मुझे ये कोडिंग एंड ऑल के बारे में कुछ नहीं पता है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है, एंड मैं कंप्यूटर्स में बहुत ख़राब थी, मुझे पता है कैसे करके मैंने किया है कंप्यूटर्स, तो माय हबी विल बी वेरी हैप्पी विथ इट। एंड हाउ डू यू रिमेम्बर, ये मैंने बैंगलोर से मुझे गिफ्ट मिला था, लाइक जहाँ पे मेरे मम्मी के वहाँ पे जब मैं जाती हूँ तब एक सेम शॉप से मैं हर वक्त राय के लिए ना आई गेट घाघराज एंड ऑल, तो वो लोग ने मुझे ये गिफ्ट दिया था, एंड दिस इज समथिंग ना जो सिर्फ इंडिया में ही होता है, यू नो जब हम लोग गली के शॉप में जाते हैं तो भाभी आइए, दीदी आइए, वो अपनापन, अरे आपने ये नहीं लिया वो लीजिए, दिस इज समथिंग आई मिस सो मच। तो वो लोग ने मुझे ये टॉवल दिया था, एंड ये दिस इज कॉटन का टॉवल ना, तो इट्स गुड। एंड क्या या अभी मैं बनाऊंगी, मेरे हबी को ना सैमन खाना बहुत पसंद है, एंड अभी उनको सैमन का सिर्फ क्या, वो एक माछेर झाल खाते हैं, एंड वो बनाना इतना इजी है ना, जब भी वो बोलते हैं मुझे वो खाने में खुश हो जाती हूँ, क्योंकि उसमें यू डोंट नीड एनीथिंग, इतना इजी है वो बनाना, सिर्फ लिटिल बिट ऑफ ऑयल एंड कलौंजी एंड ग्रीन चिलीज एंड थोड़ा पानी बस हो जाता है, तो वो खाएंगे, तो दैट इज़ ईजी, एंड मैं और राय देखते हैं क्या हम लोग कुछ खा लेंगे। एंड या आई वॉन्ट टू डिस्कस, नहीं मैं आप सबसे कुछ बोलना चाहती हूँ, तो when you do online shopping na be very careful, after this pandemic started most of you know ki pehle to main bahut bahar jati thi, but haan amazon se bahut kuch aata tha,
पर अभी डेफिनेटली बहुत ज्यादा आता है क्योंकि हम लोग बाहर बिल्कुल भी नहीं जाते। तो अमेजोन छोड़ के ना दूसरे बहुत सारे वेबसाइट से मैंने खरीदा था, जैसे सिफोरा से मुझे क्रीम चाहिए था एंड आई गॉट माय आईब्रो पेंसिल। फिर राय के लिए समर क्लोथ्स आई गॉट फ्रॉम ए शॉप जहां से राय खरीदती है, क्या कुछ एंड कुछ बहुत एक टफ वर्ड है यार, व्हाट इज द नेम ऑफ द शॉप मामू, व्हाट इज द नेम ऑफ द शॉप जहां से तुम जामा कपड़ किनेছিলে? द एंड्रॉनिक से, सो आई गॉट ए लॉट ऑफ ड्रेस फॉर हर। फिर बहुत सारे ऐसे मैंने रेपुटेड वेबसाइट से खरीदा था एंड मैं बोल रही थी लाइक कि मेरे हबी ने मास्क ऑर्डर किया था विच जो लोग ने दे टोल्ड इट इज N95, पर वो N95 नहीं था। एनी हाउ फिर वो आ गया था एंड अगर मैं देखूँ तो ओके इतना खराब भी नहीं है। तो क्या हुआ अभी ना बहुत दिनों से ना लाइक इंस्टाग्राम में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे एड्स आते हैं ओके एंड एक एड ऐसा था ना पेंट बाय नंबर्स के, बहुत सारे एड्स आते हैं जहां पे आप देखेंगे खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग हो जाता है एंड यू हैव टू पेंट बाय नंबर। तो राय को पेंटिंग बहुत पसंद है एंड हम लोग टेम्पटेड हो जाते हैं ना जब हम लोग देखते हैं। तो जब भी मैं इंस्टाग्राम खोल के देखती हूँ ना तभी वो ऐसा एड आता है एंड ना वी गेट टेम्पटेड टू इट। तो राय बोल रही थी मम्मी मुझे खरीद के दो ना, फिर मुझे भी लगा चलो मैं भी एक ले लेती हूँ, मैं भी पेंटर आखिर बनी जाती हूँ। तो फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया ओके सुबह नहीं बस तब बिल ना तब मुझे ऐसा ना थोड़ा डाउट हुआ क्योंकि बिल पेमेंट करने के बाद वो लोग का स्टार्ट हो गया अरे तुम वो भी ले लो, तुम ब्रश भी ले लो, तुम एप्रन भी ले लो एंड दे वर लाइक फोर्सिंग यू लेने के लिए ओके। फिर मैं निकल के आ गई देन आफ्टर टू डेज वो लोग ने मुझे मेल भेजा कि तुम्हारा पेमेंट हम लोग को मिल गया है एंड विद इन टू बिजनेस डेज हम लोग तुमको भेज देंगे सामान। तो मैंने ये ऑर्डर किया था लास्ट वेडनेसडे को, अभी इट्स मोर देन 6 डेज वो लोग ने कुछ भी नहीं भेजा ओके। दे गेव मी ए ट्रैकिंग नंबर दैट इज कुछ ऐसा एक अजीब ट्रैकिंग नंबर मैंने कभी भी नहीं देखा है जहां पे अगर आप लाइक ट्रैक योर नंबर आता है ना जैसे हम लोग फेडेक्स यूपीएस में करते हैं यू कैन सी, कुछ भी नहीं आ रहा है वहां पे। तो आई फील यू नो फुल्ली वो लोग ने मुझे चीट किया है, तो बी केयरफुल एवरीवन। ये मैं अपने बहुत ही खराब एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ दैट व्हेन यू बाय समथिंग ना ऐसा इमीडिएटली कुछ भी वेबसाइट से मत खरीदिएगा। एंड वो सेम पेंट बाय नंबर अमेजन में भी मिल रहा था जो हम लोग को सैटरडे मिल जाता, मैंने देखा ही नहीं। एंड माई हबी यस्टरडे ही वॉज गेटिंग सो मैड कि क्या तुम ऐसा गलत शलत वेबसाइट से कुछ भी खरीद लेती हो, दे टू केयर क्रेडिट कार्ड नंबर एंड ऑल। तो मुझे अभी यू नो हैव टू कॉल देम एंड लाइक मुझे बोलना है कि ये ऑर्डर को लाइक टू डिस्प्यूट दिस थिंग क्योंकि एंड आज सुबह भी मैंने वो लोग को मेल भेजा कि क्या हुआ मेरा तो सामान नहीं आया, दे आर नॉट सेइंग मी एनीथिंग, कुछ भी वो लोग नहीं बोल रहे। एंड जब वो लोग ने मुझे दिया था ना दे वर सेइंग टू डेज डिलीवरी, जस्ट इमेजिन कैसा चीटिंग कर रहे हैं, यू नो टेकिंग चांस ऑफ दिस पैंडमिक ना, मेनी पीपल आर डूइंग ए लॉट ऑफ थिंग्स। तो जब भी आप खरीदे है ना बी वेरी केयरफुल एंड अगर आपको भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है तो मुझे ज़रूर बताना। एंड ये हाथ धोते 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 यार मेरा लाइक पूरा हाथ ना फुल हैंड ऐसा रफ हो गया है। एंड आज का रेसिपी इतना सिंपल है ना एंड ये रेसिपी मैं कभी भी आप सबके साथ शेयर नहीं करती हूँ बिकॉज दिस इज अ वेरी टिपिकल बंगाली रेसिपीज जो मोस्टली ना समर टाइम में सब लोग खाते थे। तो मैंने राइस चढ़ा दिया है एंड उनके लिए फिश भी रेडी हो गया है एंड कल का ना थोड़ा वो बिरयानी टाइप वो पुलाव टाइप थोड़ा है तो उसमें ना मैं थोड़ा गरम चावल थोड़ा दे दूंगी तो मेरे और राय के लिए हो जाएगा एंड आई विल मेक रायता विद इट हम दोनों के लिए बस। एंड मेरे हबी को ये फिश एंड प्लेन राइस और कुछ भी नहीं चाहिए। एंड हाँ मैं कमेंट में देख रही थी थैंक यू ऑल फॉर बीइंग सो ट्रूथ कि आप लोग बहुत जन लिख रहे थे कि पायल अभी और खाना बनाने में इंटरेस्ट नहीं रहा विच इज लाइफ में ना आई फील सो हम सबको ना सब कुछ का जरूरत है, वो बोलते हैं ना सब कुछ मिला के होता है, नमक भी चाहिए, मिर्ची भी चाहिए, थोड़ा खट्टापन भी चाहिए, तो ऐसे सब कुछ रहता है तभी मजा आता है। तो पहले तो राय का जो जैकेट आया है ना मैंने अपने हाथ लाइक मैंने हाथों से ही धो के दे दिया है एंड बाहर रख दिया है तो बहुत जल्दी सूख भी जाएगा। एंड यार लॉकडाउन हो या ना हो घर का तो काम रहता ही है, स्पेशली क्लीनिंग वो तो हम लोग को करना ही पड़ता है। तो बाकी और कुछ पियोनीस था मुझे लगा चलो मैं
लेट मी पिक देम अप, क्योंकि ये ना मैं जैसे बोल रही थी ना बहुत जल्दी मुरझा जाते, लाइक आते हैं और चले जाते हैं, कुछ एक गाना था ना ऐसा, आते हैं चले जाते हैं, वो उसी तरीके से है। तो जब भी मैं बेकिंग का कुछ बनाती हूँ, राय हर वक्त आती है एंड शी ओनली। तो आज हम लोग को लगा कि चलो हम लोग लाइक पाइनएप्पल मिक्स में लेट अस ऐड लिटिल बिट ऑफ चॉप्ड पाइनएप्पल आल्सो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपसाइड डाउन पाइनएप्पल केक बनाती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से निकल के आता है। Alexa, set a timer for 40 minutes. Now again, ना लाइफ में कभी भी मैं ये सब चक्करों में नहीं पड़ूंगी, इससे तो अच्छा है कुछ ऐड ही नहीं देखना है। बट इट वॉज लाइक सो मच टेम्पटिंग ना वहाँ, एंड ऐसा लग रहा था ना कि अरे ऐसा पेंटिंग आप ऐसा नंबर से पेंट करेंगे और इतना खूबसूरत पेंटिंग बन जाएगा। एंड माई हबी, मैं अपने हबी को बोल रही थी यू ना अभी मैं पेंटर बन जाऊंगी, एंड माई हबी इज लाइक नंबर पेंटिंग करके कौन पेंटर बना। बट एनीथिंग यू नो इन दिस लॉकडाउन, जैसे अभी आप लोग भी बोल रहे थे कि पायल सब कुछ रिपीटेटिव हो रहा है, तो नया कुछ करे तो यू नो हम लोगों का खुद को भी एक अलग बोलते हैं थोड़ा मज़ा आता है। तो मुझे लगा था कि चलो हम लोग ये करेंगे। एंड राय का भी अभी वेकेशन स्टार्ट होने वाला है, तो दिस वेकेशन इज़ नॉट लाइक द अर्लियर वेकेशन। जब वेकेशन स्टार्ट होता था ऑलमोस्ट डेली हम लोग बाहर जाते थे, राय समर कैंप करती थी एंड इस बार तो मैंने सोचा था कि हम लोग इंडिया जाएंगे, लाइक राय समर कैंप नहीं करेगी, हम लोग इंडिया जाएंगे, फिर आने के बाद राय टेनिस करेगी फॉर वन मंथ। तो इनिया जो भी हो, तो मुझे लगा ना लेट्स डू दिस एंड कुछ एक नया मैं चेंज करूंगी, देन इट विल बी रियली रिफ्रेशिंग फॉर मी। क्योंकि पहले जब ये लॉकडाउन स्टार्टेड हुआ था ना, रिमेंबर मैं बोल भी रही थी कि मैं बहुत सीरीज देख रही थी नेटफ्लिक्स एंड अमेजन में, तो उस मेरा हो गया, आई एम टोटली बोर्ड आउट ऑफ इट। अभी मुझे ना टीवी देखना इतना भी ज़्यादा पसंद नहीं है, लाइक आई एम नॉट दैट मूवी पर्सन जो हर वक्त, हम लोग सभी लोग, इतना ज़्यादा मुझे देखना पसंद नहीं। तो केक तो अच्छी तरीके से निकल के आया है, पर एक प्रॉब्लम भी हुआ था। व्हाट इज द प्रॉब्लम? या आई डिडंट पुट बटर, तो बटर पुट नहीं किया तो क्या हुआ, साइड में सब लग गया। तो ये जो बीच का हिस्सा है वो तो निकल के आ गया, पर साइड का हिस्सा थोड़ा थोड़ा ऐसा लग गया था। ये आप देख सकते हैं, ऐसा लगेगा कि साइड में किसी ने खा लिया, तो किसी, तो राय ने अभी खा लिया, पर पहले वो पूरा साइड में ऐसा लगा हुआ था। पर ओवर द टॉप केक अच्छी तरीके से होना चाहिए, वही मैं सोच रही थी, मैं ना कुछ देना भूल गई। फिर अभी राय बोल रही है मम्मी तुमने तो बटर पुट नहीं किया, बट चलो हो गया। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन, आई होप सो आप सबको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है। एंड हाँ, अगर आप सबके साथ किसी के साथ भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे आपने कुछ खरीदा है एंड आपको बोला गया है कि दो दिन में आएगा, एंड फिर दो दिन छोड़ो अभी आएगा कि नहीं उसका ही कोई ठिकाना नहीं है, तो ज़रूर मुझे बताना। बट हाँ, डेफिनेटली ऑनलाइन शॉपिंग करिएगा, देन बी केयरफुल। मुझे लगता है जहाँ से हम लोग हर वक्त करते हैं वहाँ से करना ही अच्छा है। कोई स्टोर विच इज़ रेपूटेड दैट इज़ गुड, ऐसा कोई अनजाना जगह से ख़रीदना नहीं चाहिए। तो चलो, विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी वीक डेज, मस्ती कीजिए विथ योर फैमिली, खाना खाइए, बात कीजिए, whatever you want, whichever things make you happy। And हाँ, मेरे यहाँ कैमरा पे भी थोड़ा वो कैरमलाइज शुगर लग गया, अभी मुझे साफ करना पड़ेगा। तो चलो इस वीडियो को लाइक, एंड जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, इफ यू लाइक माई चैनल देन ओनली प्लीज फील फ्री टू सब्सक्राइब। सो बाय बाय, एंड आई विल कैच यू ऑल मंडे का वीडियो में। बाय बाय।